जी नमस्कार, एक बार फिर से पंजाब केसरी टीवी में आप सबका स्वागत। सुबह से बारिश और बाढ़ को लेकर जो अपडेट हम लगातार आपको दे रहे हैं, और अभी बता दें कि 5 घंटे के बाद ये जो ऊना होशियारपुर को जोड़ने वाला झिलेड़ा और घालूवाल के बीच सबसे अहम पुल है, इसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। सुबह करीब 11:15 के बीच इस पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि जुलाई महीने में इसका एक हिस्सा जो है वो ध्वस्त हुआ था, और आज बाढ़ इतनी अधिक आई कि पुल के पिलर कहीं इसमें डैमेज ना हो, इसके लिए इस पुल को बंद कर दिया गया था, और अब अंततः इस यहां से ट्रैफिक जो है वो खोल दिया गया है। तो आप देखेंगे यातायात के लिए ये पुल जो है वो खोल दिया गया है। पहले जो ट्रैफिक था वो डाइवर्ट किया गया था, और अब ये देखिए बाढ़ का पानी काफ़ी कम हुआ है, लेवल काफ़ी निचले स्तर पर चला गया है, और इस वजह से अब इस पुल को यातायात के लिए खोल दिया गया है। तो ये पुल खुल चुका है और बड़ी राहत है, अदरवाइज़ लोगों को यहाँ से बाया भरोली रामपुर पुल होकर जाना पड़ रहा था, इससे 15 से 20 किलोमीटर का एक्स्ट्रा जो सफ़र था वो तय करना पड़ रहा था। अब अंततः हालांकि अभी जो बाढ़ है उसका पानी लेवल कम तो हुआ है, लेकिन अभी भी जो जल स्तर है उसमें थोड़ी वृद्धि है, जो औसतन होती है, औसतन पानी होता है उससे थोड़ा अधिक है। तो ये लाइव अपडेट आपको ताज़ा जो यहाँ की खबर है वो बताई जा रही है। पुल को ये पुल बंद कर दिया गया था, यहाँ तक कि जो पेडेस्ट्रियन थे, पैदल आने जाने वाले थे, उनको भी रोक दिया गया था। तमाम दोपहिया चौपहिया वाहन जितने भी थे उन्हें बंद कर दिया था, और अब ये पुल जो है वो यातायात के लिए खोल दिया गया। तो एक राहत की खबर है कि फिर से ऊना और होशियारपुर के बीच आवाजाही जो है वो बहाल हो चुकी है, और आपको दिखाऊंगा कि कैसे रद्द रूप धारण किया था। ये सामने जो एरिया दिखाई दे रहा है ये पूरे का पूरा जो है वो बांध बन चुका था, यहाँ पे पूरे के पूरे क्षेत्र में पानी भरा हुआ था, और पानी इतना बैक गया कि कुछ खेतों में चला गया। हालांकि बिदिंदा जो स्वां क्षेत्र है उसके इनसाइड जितने भी खेत थे आलू की, जिसमें फसल लगाई गई थी, आलू लगाया गया था, वो सारे का सारा खराब हुआ है, और आपको दूसरी साइड से भी बताएंगे कि किस कदर जो नुकसान है वो हुआ है। और ये देखिए अभी जल स्तर में कमी तो आई है, लेकिन अभी भी कुछ लेवल जो है वो बना हुआ है। सामने जो खेत आपको दिखाई दे रहे हैं जलमग्न थे, और अब इनसे पानी जो है निकला है, लेकिन आलू जो बीज लगाया गया था वो सारे का सारा खराब हो चुका है। और सामने आपको जो अस्थाई यहाँ पे झुग्गियाँ दिखाई दे रही थी दे रही हैं, यहाँ से भी लोगों को हटा दिया गया। तो ये पुल है जिसे यातायात के लिए एक बार फिर से खोल दिया गया। बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ, ऊना से, ऊना के इस झिलेड़ा घालूवाल पुल से, स्वां नदी के ऊपर से। मैं पंजाब केसरी टीवी के लिए सुरेंद्र शर्मा।